अंगूर भी डालने हैं। पत्नी बनने में एफर्ट बहुत लगता है, पति को क्या है। आओ बाजी आ गई है, मारो मुझे मुझे। वीज भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सभी का स्वागत है नए बड़े नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। क्या आपको दिखाते हैं सुबह सुबह का माहौल क्या है घर में। सभी बालकनी में बैठे हुए हैं, ये देखो बड़े भैया जी नीचे बैठे हैं चाय पी रहे हैं, भाभी जी यहाँ पे चाय पी रही हैं, मम्मी जी वहाँ चाय पी रही हैं, और सबकी फसक चल रही है तीनों की। हाँ जी, क्या फसक चल रही है आप लोगों की भाई। नाश्ते में क्या बना रहे हो आप? पाव भाजी। आज का स्पेशल ब्लॉग यही है कि भाभी जी की पाव भाजी की रेसिपी। तो देखते हैं भाभी जी रेसिपी किस तरह की बनाते हैं, तो जो भी घर में अवेलेबल होगा उसी से बनाया जाएगा। तो सासू मारी पूरी रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे और देख रहे हैं क्या बना रही है बहू। कचरे वाला आया घर से कचरा निकाल, कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल। ये भाभी ने मटर भिगा रखे हैं, ये चॉप कर रखा है प्याज, इसमें क्या डाल रखा है भाभी? आलू गोभी शिमला मिर्च। अच्छा, इससे बनाओगे आप भाजी? और हमने एक बार घर में बनाया था, उसमें क्या डाला था आपने? घिया? वो किस चीज से बनाया थे भाजी? आलू ही थी वो भी। आलू ही था और मटर भी थे। अच्छा अच्छा अच्छा, गाजर भी थे, सब। भाभी की सब्जी यहाँ पे तैयार हो रही है, मम्मी इधर उधर घूमी जा रही है कमरे में, भैया अपने फोन के साथ। मनुली डायनासोर की पूंछ, ये देखो चीते के साथ इसको कोई लेना देना नहीं, जिसको मारो चाहे, मगर इसको ये पूंछ चाहिए है ना। मैंने आज कुर्ता पजामा पहन लिया है, थोड़ी अलग लुक रखी हुई है, तो मैंने कहा पाव भाजी ना थोड़ा तैयार होके खाएंगे, सिंपल नहीं खाएंगे आज। देखिए मसाले बाहर आ रहे हैं, आलू तो बीच में। अच्छा आलू है वो, हाँ सब्जियाँ की, तो इसकी खुशबू भी बहुत आ रही है उबली हुई सब्जियों की। आलू है, शिमला मिर्च है, गोभी है, गाजर है और भाभी है। व्लॉग देखने लगे हुए हैं मम्मी और मनु, ये तो हमारी रूटीन ही है, अपने व्लॉग भी देखते हैं हम। है थैंक यू मनु कह रहा है हम टीवी में कैसे आ जाते हैं है ना। ये पड़े हैं पाव, इतने सारे पाव हैं, हम तो इनको खा जाएंगे। अब ये मैं खा जाता हूँ, आप इसके बना लेना जो मैं। तो जी कम तो नहीं पड़ेगी भाभी? पक्का? मटर भी तो है, प्याज का तड़का भी तो लगेगा। हाँ भाभी ने पहले देखो आलू शिमला मिर्च गाजर गोभी ये सब उबाल ली है। कितना टाइम उबाला? कितनी सीटी? दो सीटी मार दी और ये उबल गया है। और यहाँ पे इन्होंने मटर और प्याज रखा हुआ है, और थोड़ा सा प्याज आधा प्याज ग्राइंड कर लिया, आधा वैसे रखा हुआ है। मटर फ्रोजन वाले हैं। अच्छा हाँ, मटर फ्रोजन वाले हैं वो तो। चलो मटर फ्रोजन वाले हो, नॉर्मल हो, जो भी रखने हैं आप रख सकते हो। नॉर्मल वाले उबालने पड़ेंगे ना, ये तो ऐसे ही डायरेक्ट ही डाल दें। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्मल वाले आपको उबालने पड़ेंगे, ये डायरेक्ट पड़ जाएंगे, नहीं तो ये भी इसमें डाल देते ना सब्जियों के बीच में, है ना। अंगूर भी डालने हैं? नहीं, कहीं गुजरात में मीठा डालते हैं ना, चीनी भी डाल देना आप। जब गुजरात जाएंगे फिर वैसा टेस्ट खिलाएंगे। ठीक है जी, गुजरात भी जाएंगे आप कभी ना कभी। भाभी ने कुछ बेचने होने दिया, जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी निकाल लिया। आपको मजा आ रहा है मम्मी ब्लॉग देखना, घूमना, ठंडी ठंडी हवा, काम नहीं करना? भाई साहब मेरे को बड़े अच्छे लगे थे इसलिए मैंने इनकी फोटोज लगाई, ये नाच रहे थे अलग ही। सुबह सुबह ही मन्नू की क्लास लगनी शुरू हो गई है। अभी कौन सा ऐसे लिख रहा है? माय स्कूल। अब माय स्कूल पे आ गया है, चलो ठीक है बाद में इसे सुनेंगे माय स्कूल का ऐसे, अभी लिख रहा है। साथ में इसने चीता अपना रखा हुआ है, और भाभी ने पूरे घर की सफाई कर दी है, ये देखो पूरा घर चमका दिया है। और सासू माँ जी ऑन रेस्ट है, सासू माँ जी कर रही है रेस्ट, और इधर भाभी जी ने यहाँ तक इसको कच्चू कुंबा कर दिया है, पीस दिया चुकंदर कर दिया। कम लग रही है भाभी ये? ज़्यादा ये ज्यादा अच्छी लगती है ना ब्रेड के साथ, बच जाएगी फिर क्या करोगे? फिर खा लेंगे। भाभी जी कह रही है कि बन जाएगी, मेरे को लग रहा है कम होगी, तो जब बन जाएगी तो देखेंगे। वैसे दाढ़ी आ गई है, अब प्रभ नाराज नहीं होगी। प्रभ देखो दाढ़ी आ गई है, क्या बोलो? क्यों काट रहे हो? मैं नहीं काटूंगा, ये वीडियो तो रखूंगा ही। क्या बोल रहे हो? कम लगी तुमको, आलू और उबाल देते हूं। अच्छा कह रहे कम लग रहे थे आपको, आलू और उबाल देते। नहीं नहीं, आपने जो बोला वही अंदाजा रहेगा, अब ये देखा जाएगा कि कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा। भाभी जी ना, भाभी जी भैया को भी भाभी बोल रहा हूँ।
भैया ने देखो ये टी शर्ट पहनी हुई है, इसमें मेरी शक्ल लगी हुई है जोकर वाली। सही है, सही है, मैच करके दे। नहाने धोने के बाद, घर की सफाई करने के बाद भाभी जी आ गए हैं अगेन रसोई में कामकाज करने के लिए। तो इन्होंने मैच कर दिया था, आपने देख लिया था, ये सब तैयार हो गया था, आपने देख लिया था। अब भाभी जी ने डाल दिया है इसमें ऑयल। अब मक्खन भी डालोगे? खाली मक्खन डालेंगे तो जल जाता है ना। हाय हाय, थोड़ी मिलावट तो चाहिए है ना, बिना मिलावट के कुछ नहीं अच्छा लगता। और उधर सासू माँ जी और भैया देखो फोन पे लगे हुए हैं, और साथ साथ ब्लॉग भी चल रहा है, वो देखो गाने वाने देख रहे हैं। और मनोनी टकुली हमारा पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करो, पढ़ाई मैं देख रहा हूँ बेटा, फिनिश करो जल्दी से, फिर फ्री हो जाओगे। या मक्खन, चलो सासू माँ जी को मक्खन लगाया जा रहा है। सबको मक्खन लगाया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे को भाभी जी का हर एक चीज पसंद आ रही है खाने में, जो भी ये डिश बना रहे हैं ना मेरे को मजा आ रहा है। मक्खन अंदर जाते ही पूरा ब्रर हो गया है। अच्छा इसी में तड़का लगेगा? ओके ओके ओके। मनु बहुत स्पीड में लिख रहा है आज, अच्छी राइटिंग, फिर भी राइटिंग भी अच्छी कर रहा है ना। हाँ राइटिंग अच्छी कर रहा है मनु का, होशियार हो गया हमारा। पहले भी होशियार ही था वो। हाँ, नहीं तो मनुली टकुली ना ऐसे लेके बैठा रहता कॉपी को, अब लिख रहा है, अब मैच्योर हो गया थोड़ा। हाँ। ज्यादा मैच्योर हो गया, नहीं तो पहले इसके सर के ऊपर खड़ा रहना पड़ता था। हाँ। लिखो लिखो। हाँ। अब अपने आप करना है, अब अपने आप करने लग गए। तो यहाँ देखो यहाँ तक तड़का लग गया है, मुँह में पानी आ रहा है। हाँ इनको देख के आ रहा है। अच्छा ये ऐसे अकेले क्या करेंगे, अकेला पति क्या करेगा, पत्नी भी चाहिए। वो देखो बन रही है पत्नी, पत्नी बनने में बहुत एफर्ट लगते हैं। हैं? हाँ पत्नी मेन चीज है, पत्नी बनने में एफर्ट बहुत लगता है। पति को क्या है, थोड़ा सा उठाया राड़ दिया, जॉब की ड्यूटी में राड़ दिया, उस रात को असली उसी में है, ये तो खाली भोग का ब्रेड है। पर दोनों के बिना कुछ भी स्वाद नहीं है, दोनों ही डिश है, दोनों चाहिए भाई। अगर ये रड़ेगा नहीं बाहर जाके धूप में तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे हैं? और घर वाली इतना कुछ नहीं झोंकेगी तो कैसे बनेगी भाजी, मजा कैसे आएगा है ना। देखो कितना अच्छा हमने लिंक जोड़ा। ये बन रहा है, हाय हाय, शिमला मिर्च भी डाल रखी है। शिमला मिर्च भाभी ने छोड़ा ही कुछ नहीं, भाभी को और कुछ नहीं मिला, नहीं तो भाभी मूंगफलियां मूंगफलियां सब डाल देती। अरे यहाँ क्या है, जैसे तमिलनाडु में हर चीज में वो डालते हैं ना, क्या चटनी, नारियल की चटनी में, नारियल हर प्रोडक्ट में डाल देते हैं। गुजरात वाले मीठा डालते हैं। हाँ गुजरात वाले मीठा डालते हैं। यहाँ पता क्या डालते हैं, मूंगफली डालते हैं। यहाँ समोसे खाए हमने, सारे मूंगफली से भरा हुआ। अच्छा समोसा, मूंगफली वाला समोसा। मम्मी किससे बात करने लगी है? मामा से। मामा जी से। ओहो शेफ जी ने बता दिया ऐसे पूरे एटीट्यूड में, अदरक लहसुन भी डाल दिया। तीन बार बोली तो सुना नहीं, मैंने कहा डाल देती हूं। अच्छा भाभी ने पहले दो बार प्यार में बोला है अदरक लहसुन डाल, अदरक लहसुन, अदरक लहसुन डाल दिया। ऐसा नहीं, ऐसे बुलाना कैमरामैन। हां इधर आ देखो, अदरक लहसुन डाल दिया। रास्ता बन रहा है, बीच बीच में हवा लेने के लिए बाहर आ जाता हूँ। बाहर देखिए कितनी अच्छी हवा यार, मतलब कि दिल कर रहा है यहीं बस जाए। मेरा ना जहाँ भी जाता हूँ मेरा दिल लगता है वहीं बस जाए। अब उत्तराखंड जाता हूँ तो ऐसा लगता है वाह यार ये क्या जगह है, मनाली जाता हूँ। वैसे ना मेरे को सच में आपको भी प्राउड फील होना चाहिए, अपना इंडिया अपना भारत देश सच में बहुत महान है, इसकी कोई रीज ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया से ऊपर कोई देश पूरी दुनिया में नहीं है। बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है हम कि हम इंडिया में पैदा हुए, और इंडिया इतना ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि वहाँ सब मौसम, हर तरह का कल्चर, हर तरह की डाइवर्सिटी, बहुत कमाल का यार मज़ा आ जाता है। फसक 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 फसक। ओए मनुली टकुली, मनुली टकुली माय स्कूल पे ऐसे लिख रहा है। अब इसमें कट रहे हैं टमाटर, कितने टमाटर काट रहे हो भाभी? दो। अगर बड़ा टमाटर है एक भी चलेगा? सब्जी का हिसाब देख लो कितना है। हाँ सब्जी का हिसाब देख लेते हैं। तैयार हो रहा है टमाटर मिर्च सब कुछ डाल दिया गया है, और साथ ही साथ में मटर को कुचुंबर किया जा रहा है, पिसाया जा रहा है अपने भारी भारी हाथों से। मारोगी मुझे? ओ भोज मुक्के मारो ना, इतने भारी हाथ हैं आपके। चांटे मारो फिर। कितनी मेहनत है भाई पाव भाजी में, इससे अच्छा तो बंदा बाहर जाके खरीद के खा ले। चालीस रुपए की प्लेट है।
तुमको 40 पता नहीं कितने की यहाँ है। अभी ने कर दी ना औरतों वाली बात बता दिया कितने इतने रुपए का, मतलब बिल्कुल वैसे, पर भर पेट नहीं खा सकते आप बाहर। आपको मिलेगा 2 पीस और थोड़ी सी सब्जी, पाव भाजी हो गया आपका 50 रुपए प्लेट है ना। यहाँ पे पीछे देखो आप कितने सारे पाव हैं और भाजी इतनी सारी होगी, कितने से लोग हैं। मन्नू ना कह दिखने में लगता नहीं खाएगा, वो बहुत खा लेता है। भाजी तैयार हो गई है? नहीं हुई अभी। अच्छा नहीं हुई है? अभी जो मैश करके रखा था वो इसमें डाल दिया। हाँ। टमाटर उसके उसमें। हाँ। ठीक है मसाले में। अब इसको थोड़ी देर ऐसे भुनने देते हैं, फिर बाद में इसमें पानी डालेंगे। अच्छा अभी भुनना भी है? ठीक है। हेलो भाभी जी, कोकोनट बिस्कुट ट्राई करके देखिए। मनाली से लिए थे बिस्किट, टेस्टी है। नारियल वाले छेती कर सरवण पुत्रा, पानी तू पा दे ओए, छेती कर सरवण पुत्रा। पानी डाल दिया है। पानी देखो मिलावट बहुत ज्यादा जरूरी है। दूध में भी पानी डलता है तभी दूध बढ़ता है, उसी तरह भाजी में भी पानी पड़ेगा तो भाजी बढ़ेगी। डाला जा रहा है पाव भाजी मसाला, जो स्पेशल पाव के लिए ही होता है। कितना डालना है भाभी, जितना डल जाए? मैं तो अंदाजे से डाल सकती हूं। अंदाजे से डलता है। वैसे भैया फोन आ गया आपका, देखो कौन फोन कर रहा है भैया को बार बार। ये सब आपको जासूसी रखनी चाहिए। और कौन करेगा, कभी वो ऑफिस से ही आएगा, शिफ्ट से आएगा। फोन आते हैं या तो किसी कंपनी से आ रहा होगा या ऑफिस से आ रहा होगा। हाँ हाँ ऐसे ही बोलता है हर मर्द। क्यों इतनी बेकार बातें करते हैं भैया, हैं सब रहता हूं ना। भैया को छेड़ना होता है, भैया उसके ऊपर पूरे 2 घंटे का लेक्चर दे सकते हैं। एक बात छेड़ दो भैया को, है ना मम्मी? सुनी जाओ फिर भैया को, बस ऐसे बोल दो वो अच्छा नहीं। अच्छा क्यों होगा, वो तो फिर ऐसे होगा ना, वो लोग होती है ऐसे हैं, फिर वो ये है वो है, पूरी हिस्ट्री बोल जाएगा। अरे इनके तो खानदान में ऐसा था। अभी तो बोलती ही कुछ नहीं, भाभी का बढ़िया तरीका है, भाभी चुप रहती है, सुना हाँ बोलती है ना, अच्छा बोलती है ना बुरा बोलती है, कह रही बोली जाओ। और की कभी कभी तो बोल देती हूँ मैं। बहुत हो गया बस चुप करो। हाँ भाभी ये तो सच में बहुत ज्यादा बन गई है, भाभी का दादा सही था। बन जाए एक बार, अभी के लिए हमने अभी के लिए हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, बन गई ना अब तो। अभी उबाल आने दो। अच्छा तब तक हम इसके लिए प्याज काट लेते हैं सलाद के लिए। ओके ओके ओके। प्याज अलग, कच्चा प्याज इसके साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। प्याज भी कट गया, ये प्याज जब मुंह में जाता है ना भाजी के साथ मजा आ जाता है। तो भाभी यहाँ पे पाव को करने लगी है गरम, तलने लगे ना थोड़ा सा। हाँ। देसी घी में करोगे? देसी घी में कर दूं या मक्खन में भी कर सकते हो? दोनों में कर सकते हो। पानी में कर लो, कैसे भी आप हर चीज में पानी मिला ही रहे हो। पानी किस में, तुम्हारे शरीर में पानी बहुत जरूरी है। नहीं मैं एक और आपको तरीका बताऊं, आपके पसीना आया हुआ है तो पर, मेरे पसीने की कमाई खाओगे। देखो हम खाते वक्त भी इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। ओ, इतना टेस्टी है, यम्मी यम्मी है। मनु ये क्या पढ़ाई कर रहा है, ये क्या पढ़ाई कर रहा था अभी है, क्या पढ़ाई कर रहा था ये, इसको तोड़ने की पढ़ाई कर रहा था। तो ऐसे पाव को बीच में से काट के डबल बना दिया है सेकने के लिए। ठीक है ठीक है, फिर अंदर से भी सेका जाएगा ना। तो बोल मुंह तो खोल, पाव भी रख देंगे। भाभी ये क्या किया आपने, ये हैं? तुमने किया है जो किया। मैंने कैसे किया ये? हैं मन्नू तुम पे झूठे जा रहा था, तुम मेरे पे लगा यार। अच्छा इस पे पाव रखना ना। भाभी एक वीडियो बन सकती है बड़ी अच्छी, ठीक है? तो आइडिया आ गया डालने का वीडियो। भाभी कहेगी पाव रखो, मैं उसमें अपना पैर रखने लग जाऊंगा। यही होता है बाद में लगा दो आयोगा माँ बन गई कॉमेडी रील्स वाली। आयोगा आयोगा नो 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 ब्रिज ब्रिज। भैया देखो बाहर के काम भी कर रहे हैं, कपड़े कपड़े सुखाने लगे हुए हैं मम्मी के साथ। हमने एक छोटी सी रील वीडियो भी बना ली है और अब हम तवे पे रखने जा रहे हैं पाव, ये वाला नहीं ये वाला। और भैया जी हमारे कैमरा मैन है, भैया जी ने शूट किया है। तो ठीक था भैया आइडिया? हाँ बढ़िया, ऐसे ऐसे आइडिया लेके आओ। नहीं ठीक है, जहाँ पे हिंदी तो इतनी अच्छी भाषा है, आपको एक वर्ड के 10 मिनट मिलते हैं। ठीक है ना, ढूंढो। मम्मी कहाँ घूम रहे हो आप, कभी रसोई की तरफ भी देख लिया करो। है मेरे को कुछ आता ही नहीं। अच्छा
डाल दिया भाभी जी ने मक्खन विद मसाला। मसाला कौन सा डाला भाभी? अच्छा पाव भाजी मसाला ही डाला है। हाय मम्मी, मुंह में पानी आ रहा है, लपलपा। वो चक्कर परोठा 203। आप रेस्ट करो, आप छुट्टी में आए हो, जाओ, आपके लिए अभी आ रहा पाव। अभी आप पाव सेकने लग गए हैं, आपने देख लिया, पहले इन्होंने डाला मक्खन और उसके ऊपर डाला पाव मसाला, उसके ऊपर फिर डाल दिया पाव, पाव के ऊपर भी मक्खन लगा दिया इस तरह पूरा, और अच्छे से इसको सेका जाएगा। सभी के साथ ऐसा होगा, सबके साथ अलग अलग व्यवहार नहीं होगा। देखिए पाव भाजी आ गई है, मार्केट को फेल करने वाली पाव भाजी, मैं तो इसमें खाऊंगा, और वो है गरम गरम पाव। मम्मी खा के देखो फिर आप, नहीं सबसे पहले आप टेस्ट करो। मनुली खाएगा ना, मुंह ऐसा क्यों बनाया है, पढ़ाई कर रहा है ना इसलिए मुंह ऐसा बना रखा है। मम्मी जी खा रही हैं, टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। बहुत टेस्टी है, ये रंग ही बता रहा है दोस्तों, आप देख ही लीजिए, आपको देखने में बड़ा टेस्टी लग रहा होगा और आपका भी दिल कर ही रहा होगा आप घर में बना के खाने का, तो आप भी पाव भाजी घर पे बना सकते हैं, तो खाइए। वाह है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है सोच के। दिस इज पाव भाजी ब्रो। तो दोस्तों मैं खाने लगा हूँ, मैं कोई झूठा रिएक्शन कभी नहीं देता हूँ, अगर अच्छा होगा तो अच्छा होगा, नहीं पर अच्छा ही होगा, भाभी का कभी खराब होता नहीं है, और ऐसा बोल के मैंने मार भी नहीं खानी है। तो मेरे को लगता है पाव कम पड़ जाएंगे मम्मी। है बहुत ज्यादा स्वाद है, छोड़ो भाभी आप रहने दो। आप मत ही खाना, हमारे लिए बनाओ, आप मत खाओ। मारो मुझे, मुझे मारो, मुझे बंधुआ मजदूर बना रखा है। हेलो, गरम ज्यादा तो नहीं है, ध्यान से खाना। बताओ कैसा है? अच्छा है। स्वाद अनुसार आप नींबू भी डाल सकते हैं। ओहो, ये बड़ा बुरा लगता है मेरे को ना, एक आदमी जो बना रहा होता है वो बनाता ही रह जाता है, बाकी सब खाने में लगे रहते हैं। अब क्या करें, खाना छोड़ भी नहीं सकते हैं। खाओ, अरे थैंक यू, यहाँ पे पाव बहुत है, कोई टेंशन नहीं, चलो। भाजी खा लिया सभी ने, और भाभी जी अब आए हैं पाव भाजी खाने के लिए। भाभी जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनाई, कैसे बनाई है? किसने सिखाया आपको ये? और इसके लिए तुम्हें मिर्ची इनाम है। किसने सिखाया? यूट्यूब ने। खाओ इसको, यूट्यूब से इतना अच्छा सीख गए आप? क्या बात है, देखा भैया यूट्यूब कितनी अच्छी चीज है। तभी तो डाटा नेट। आपने मिर्ची क्यों खा ली? मिर्ची क्यों खा ली? ठीक है, बनाएगी प्रभ, क्यों नहीं बनाएगी, है ना, बना लोगी ना प्रभ, वीडियो देख रही हो ना, कमेंट करके बताना। अब सब सीख लो कैसे बनाया भाभी ने, उसी तरह बनाना सभी ने। टेस्टी बनाया भाभी, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। ये थी पाव भाजी की रेसिपी, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी मस्ती अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।